हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानीज किचन। आज मैं आपको एक बहुत ही झटपट शकरकंदी की चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। इससे पहले मैंने शकरकंदी की पूरी की रेसिपी का लिंक डाल रखा है। आप इस रेसिपी का लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 500 ग्राम शकरकंदी लेके इसको हमने बहुत ही अच्छे से पानी से धुल लिया है, क्योंकि शकरकंदी में धूल मिट्टी बहुत ज्यादा होता है, तो आप इसको बहुत ही साफ से धुल लें। शकरकंदी को दो भागों में मैंने काट लिया है ताकि कुकर में आसानी से बॉयल हो सके। पानी ऐड करेंगे। ढक्कन लगा के हम 2 सीटी लगा लेंगे। कुकर का प्रेशर पूरी तरह निकल चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं। शकरकंदी बहुत ही अच्छे से गल गई है। अब इसको हम पानी को फेंक देंगे और शकरकंदी को ठंडा करके छील लेंगे। शकरकंदी को छील के हमने एक पैन में गैस पे रख दिया है। हम इसको अब चूल्हे का स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको पैन में हमने रख दिया है। दोनों साइड से इसको हम भूनेंगे पैन में। अब इसमें हम 1 स्पून देसी घी ऐड कर देंगे ताकि शकरकंदी नीचे से पकड़े नहीं। अब इसको हम ये पलट लेंगे ऐसे। ये देखिए गोल्डन होने लगा है लाइट। अब इसको सबको ऐसे हम पलट लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा स्मोक फ्लेवर उठ रहा है। इसमें एकदम चूल्हे का फ्लेवर आ जाएगा। बहुत ही अच्छी सी स्मेल आने लगी है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब शकरकंदी को लेंगे, यू शेप में जैसे केले की थोड़े से मोटी साइज का हम काटेंगे। यूं सबको ऐसे ही काट लेंगे। शकरकंदी को काट लिया है हमने। अब इस पे डालेंगे फ्रेश नींबू का रस। घुमाते हुए पूरा डाल देंगे। छिड़केंगे चाट मसाला। स्प्रिंकल करेंगे कुछ कटा हरा धनिया। अगर आप इसको और स्पाइसी बनाना चाहते हो तो आप इस पे चिली फ्लेक्स डाल दें, मगर मैं इसे ऐसे ही सर्व करूंगी। दोस्तों, इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें और अपने फोटोज और वीडियोस मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। फिर एक और सिंपल, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।